नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। काफ़ी दिनों से मैं अपनी गाड़ी में देख रहा हूँ कि पिकअप बहुत कम हो रहा है, तो इसके लिए मैंने आज इंटरकूलर खोला है। इंटरकूलर के साथ साथ मैं EGR भी चेक करूँगा, इसका टर्बो भी चेक करूँगा। और लगभग 4000 किलोमीटर पहले मैंने ये सब किया था एक बार, लेकिन उससे मुझे अभी कुछ ऐसा डाउट हो रहा है क्योंकि मैंने सर्विस इसकी बहुत दिन से नहीं करवाई। और जब मैंने इसका इंटरकूलर खोला तो मुझे पता चला कि इसमें से ऑयल बहुत ज़्यादा निकल रहा है। अभी ये इसको मैंने सीधा रख दिया था, बाकी यहाँ पे आप ज़मीन पे दिखाओ, मैंने इसका अभी ऑयल गिराया है और इसमें भी बहुत ज़्यादा ऑयल की मात्रा है, मैं आप देख सकते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी गाड़ी का टर्बो फॉल्ट हो सकता है, और टर्बो फॉल्ट अगर होगा तो मैं उसमें भी बताऊँगा कि टर्बो आखिर इतना जल्दी गया कैसे, क्योंकि वो की कोर मैंने डलवाई थी 18000 किलोमीटर पहले, और 18000 किलोमीटर के बाद मैं देख रहा हूँ कि टर्बो लगता है पूरी तरह से फेल हो गई, क्योंकि यहाँ से जो इंटरकूलर का इंटेक है, जहाँ से एयर आती है और फिर इंजन में जाती है, वहाँ से अब ऑयल की मात्रा बहुत ज़्यादा आ रही है। यहाँ से मैं देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा ऑयल्स की बूंदें आ रही हैं, और इसमें मैं चेक करने वाला हूँ गाड़ी स्टार्ट करके भी, जो हम रेस करेंगे तो देखेंगे यहाँ से ऑयल आ रहा है कि नहीं। अगर ऑयल आ रहा है तो ये मान के चलिए कि इसका टर्बो फेल ही हो चुका है, फिर मैं इसका बताऊँगा दूसरा जुगाड़ कि क्या मैं करूँगा, क्योंकि टर्बो की कोर मैंने चाइना डलवा दी थी लगभग 3500 रुपये की, और वो मुझे लगा कि सक्सेस नहीं हो पाएगी, और वास्तव में वो सक्सेस नहीं हुई, बहुत जल्दी डिस्टर्ब हो गई। क्योंकि आप इंटरकूलर की हालत देख सकते हैं, इतना भयानक इसमें ऑयल आया हुआ है, तो इसको भी मैं क्लीन करूँगा। और इसका जो खोलने ओलने का सिस्टम है, मैं कई बार दिखा चुका हूँ, इसलिए मैं इस बार नहीं दिखा रहा हूँ, इस बार डायरेक्ट मैं पॉइंट पर आ रहा हूँ, तो यही मेरे को देखना है। तो चलिए सबसे पहले हम थोड़ा सा गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और इसके टर्बो को चेक करते हैं कि आखिर इसमें फॉल्ट कहाँ पर है। अभी मैं जब गाड़ी को स्टार्ट करूंगा तो इससे नॉइज बहुत ज़्यादा आएगी, क्योंकि इसका अभी सब सिस्टम खुला हुआ है, एयर फिल्टर का भी पाइप वो भी खोला है मैंने, और साथ ही मैंने इसका इंटरकूलर भी खोल दिया है, तो नॉइज ज़्यादा आएगी, उसको आप माइंड मत करिएगा। चलिए गाड़ी स्टार्ट करते हैं। कार स्टार्ट हो चुकी है, आप इसका साउंड भी सुन सकते हैं, कुछ ज़्यादा ही नॉइज आ रही है। मुझे गाड़ी को स्टार्ट हुए लगभग 2-3 मिनट हो गया है, क्योंकि मैं अभी यहाँ पे वीडियो को स्किप इसीलिए किया था क्योंकि गाड़ी को मुझे कुछ टाइम स्टार्ट करके रखना था। यहाँ पे जो इंटरकूलर का इंटेक वाला है, जहाँ से एयर आती है, वहाँ ऑयल की बूंदें आने लग गई हैं, तो मुझे यहाँ से डाउट हो रहा है कि अब मेरा जो टर्बो चार्जर एकदम से वीक हो चुका है, और मुझे इसमें अब टर्बो चार्जर का कुछ काम तो करवाना ही पड़ेगा। एक बार इसको हम क्लीन करके देखते हैं। तो ये जब हम केरोसिन इसमें डाल रहे हैं, केरोसिन या डीजल कुछ भी आप डाल सकते हैं, अब आप देखिएगा उसमें से जब गाड़ी कुछ टाइम रह जाएगी, तो इसके बाद यहाँ से हम थोड़ा सा रेस करेंगे। ये देखिए, एक हिसाब से मैं देखूँ तो थोड़ा सा क्लीन हुआ है। एक बार इसमें मैंने और ज़्यादा डाल दिया, अब वहाँ से आप देख सकते हैं कि कितना भयानक निकल रहा है ब्लैक। तो ये मेरी कोशिश थी कि एक बार क्लीन हो जाए, और ज़्यादा कुछ भी नहीं है, इसको एक बार हम हल्का सा रेस कर देंगे, और इसमें अब ज़्यादा हम केरोसिन डालेंगे भी नहीं, क्योंकि नीचे से ऑयल आ ही रहा है टर्बो में, क्योंकि वो वीक है, तो चाहे हम जितना भी करेंगे वो क्लीन होगा नहीं। तो अभी कुछ मिनिमम कुछ हद तक अच्छा हो गया है, लेकिन इसमें हम एक बार और डालते हैं, और अभी हम देखते हैं कि इसकी क्या पोजीशन है। तो हमने इसमें मिट्टी का तेल डाल दिया है और ज़्यादा, इसके बाद अब हम बिना रेस किए उसमें से निकल रहा है, और निकल जाए जितना कचरा निकल जाए, इसके बाद थोड़ा सा रेस करेंगे। ये देखिए, काफ़ी हद तक ये क्लीन हो चुका है। अब हम कार को करते हैं बंद और फिर आगे का स्टेप हम बताते हैं। यहाँ पे अब आप देखिए इंजन की क्या कंडीशन हो गई है, क्योंकि इतना ज़्यादा इसमें से ब्लैक ऑयल निकला है, और मेरा एक्सपेक्टेशन यही है कि कुछ हद तक ये क्लीन हुआ है, लेकिन अगर टर्बो ही ख़राब है तो नीचे से जो ऑयल आएगा ऊपर फेंकेगा ही, तो ये सुधरेगा नहीं जब तक टर्बो चेंज नहीं होगा। इसके बाद EGR खोलेंगे, उसको भी क्लीन करेंगे, और एक खोलने वाले का मैं स्टेप अभी क्या है, पिछली वीडियो में दो वीडियो मैंने बना चुका है EGR खोलने की, तो आप देख सकते हैं। बाकी मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा, EGR खोल के मैं क्लीन करके वापस फिट करूँगा, इसके बाद मैं रिस्पॉन्स भी आपको दिखाऊँगा, क्योंकि मेरी गाड़ी रनिंग में भी ब्लैक व्हाइट इस तरह की स्मोक छोड़ती थी, इसलिए मैं थोड़ा इसको देखने वाला हूँ।
और यहाँ पे जो ऑयल ऑयल है प्रेशर से जब धुलवाएंगे तो सब साफ़ हो जाएगा। ये मैंने अभी EGR खोला है और इसमें से ऑयल तो निकल ही रहा है, साथ में EGR की आप कंडीशन यहाँ पे देखेंगे अंदर, इसमें कुछ ऐसे इस तरह भरा हुआ है। और बार बार इसके चोक होने का यही रीज़न है कि इसका टर्बो क्या है, वीक है, और टर्बो से ऑयल आता है कहाँ, इंटरकूलर में, और इंटरकूलर से इंटेक की तरफ जाता है जो EGR की तरफ चला जाता है, EGR को कर देता है चोक। तो EGR जब चोक हो जाता है तो हमारी गाड़ी जब रनिंग में चलती है, चलने पे भी ये व्हाइट स्मोक या ब्लैक स्मोक छोड़ती है, ये डे में भी विजिबल होता है, नाइट में ज़्यादा विजिबल होता है। और होता यह है कि जब हम गियर चेंज करते हैं, ज़्यादा एक्सीलेट करते हैं, और अगर EGR चोक है इस तरह से तो बिल्कुल भी मतलब गाड़ी अच्छा से नहीं चलेगी, स्मूथ नहीं चलेगी, और ये इसी तरह मतलब मिसिंग करेगी, साथ में बहुत भयानक स्मोक छोड़ेगी। तो इसको हम क्लीन करेंगे। अभी 4000 किलोमीटर के बाद है मैंने EGR को खोला है और EGR की ये कंडीशन हो गई है, जबकि होनी नहीं चाहिए ये चीज़। और इसके अंदर आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा कचरा है, मैं निकाल के आपको दिखाऊंगा। अब यहाँ मैं दिखाता हूँ आपको, कुछ इस तरह इसमें चोक है और इसका बाल्ब तो दिख ही नहीं रहा कि बाल्ब कहाँ है, क्या कैसा है। तो इसी वजह से गाड़ी बहुत ज़्यादा ब्लैक स्मोक छोड़ती है। दो बार मेरा मैं इसको खोल चुका हूँ, अब इसको मैं केरोसिन से क्लीन करके वापस लगाऊंगा। आप ये देख सकते हैं, इसको रख देता हूं मैं साइड में, इसके बाद इंटरकूलर भी क्लीन कर लेता हूं। यहां पे आप देख रहे हैं मेरे हाथ में EGR बाल्ब है, और इसके जब ना लगे रहने पे मैं गाड़ी को स्टार्ट किया हूं, और गाड़ी का क्या रिस्पॉन्स है वो चीज़ मैं आपको दिखाता हूं। अगर ये ना रहे हमारी गाड़ी में, EGR मेरे हाथ में है, और यहां पे भी आप देख सकते हैं, यहां पे दिखाओ थोड़ा सा, यहां पे EGR लगता है और ये निकला हुआ है, और अब देखिएगा, ये देखिए, आपने देखा जब EGR नहीं लगा हुआ है तो कितना भयानक गाड़ी जो डीजल इंजन है ब्लैक स्मोक छोड़ रही है। उसी स्मोक को हमारा EGR रिसर्कुलेट करके इंजन में भेजता है ताकि जो स्मोक की मात्रा है वो थोड़ा कम हो जाए, और हमारे एग्जॉस्ट के थ्रू ज़्यादा ना निकले, वो इंजन में रिसर्कुलेट होकर स्मोक जो है एग्जॉस्ट के थ्रू बाहर निकलती है, तो उतना स्मोक नहीं निकलता। और जब ये नहीं लगा है तो आपने अभी स्मोक देखा, और यही बाल्ब जब चोक हो जाता है तो डायरेक्ट जो स्मोक है वो डायरेक्ट एग्जॉस्ट के थ्रू निकलने लगता है, तो हमारी गाड़ी रनिंग में भी स्मोक छोड़ती है, तो हमको लगता है हमारी गाड़ी का इंजन ही ख़राब हो गया, लेकिन ऐसा होता नहीं। EGR आप चेक करवाइए, क्योंकि मैंने आपको दिखा दिया बिना EGR गाड़ी को स्टार्ट करके, और उसका दिखाया कितना भयानक गाड़ी स्मोक छोड़ती है, और जब ये चोक हो गया तो फिर गाड़ी रनिंग में भी स्मोक छोड़ेगी और ये काम भी नहीं करेगा, और आपके आपको लगेगा इंजन ख़राब हो गया है। तो यही है, तो EGR हमेशा क्लीन करवाते रहिए अपने हिसाब से। अभी जो मैंने EGR क्लीन किया उसका कुछ केरोसिन बचा है, इसको भी मैं इसी में डाल देता हूँ, क्योंकि ये कचड़ा तो है ही, तो क्लीन ही हो जाएगा जो होगा। तो ये मैंने इसमें डाल दिया, कुछ प्योर केरोसिन है, इसको भी डाल देता हूँ, और इधर आ चुका है, और अभी इसमें से इस तरह का निकल रहा था ऑयल, यहाँ पे आप देखेंगे इंटरकूलर से ही निकला है ये, जो इतना गाढ़ा है कि हाथों में चिपक जाता है, ग्रीस टाइप हो गया है ये, देखिए यहाँ इससे हम पोताई कर सकते हैं। को ऊपर नीचे कर दूँ, एक बार ऐसे, एक बार ऐसे, इसमें हम भरेंगे, इधर से निकलेगा कोयला। ये देखिए इसमें से अब क्लीन पानी आने लगा है, आप देख सकते हैं मैंने EGR फिट कर दिया है, ये EGR को मैंने फिट कर दिया, इसका जो भी नट बोल्ट था वो मैंने उसको भी फिट कर दिया, इसके बाद एयर फिल्टर खोला था इसको फिट कर दिया, और अब बारी आती है इंटरकूलर की। तो इंटरकूलर में एक क्लिप आप पहले से फंसा के रखी है, जो दो क्लिप होती हैं इंटेक और एग्जॉस्ट की,
इसकी अगर डिटेल वीडियो आपको चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप जाके पूरी डिटेल वीडियो देख सकते हैं कौन से स्क्रू कैसे खुलता है क्या होता है। तो अभी मैं इसमें केवल सिंपल दिखाया था PGR चोक होता है तो क्या दिक्कत आती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इंटरकूलर रखा हुआ है पेड़ में और ये काफ़ी भारी है। ये कुछ देख सकते हैं यहाँ का लोकेशन मेरे यहाँ का, सारी फिटिंग मैंने कर दी है और कार को स्टार्ट भी करेंगे और चेक भी करेंगे कि अब इसका साउंड क्या है और फिर मैं आपको कुछ दिनों बाद बताऊंगा कि रनिंग में अभी स्मोक दे रही है कि नहीं। बाकी इसमें टर्बो पाइप फॉल्ट है, देख सकते हैं कितना स्टेबल इंजन है। ये सब करने के बाद गाड़ी का जो रिस्पॉन्स है काफ़ी अच्छा हो जाता है, एक बार आप लोग ट्राई करके देख सकते हैं। ब्लैक स्मोक वाइट स्मोक भी बंद हो जाता है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद।